सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए एक बार फिर से प्रगति मैदान से। और यहां पे आज लगा है लाइट प्लस एलईडी एक्सपो 2022 जो कि लगने वाला है 3, 4 और 5 नवंबर को। तो आप लोग जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उन लोगों के लिए खास ये वीडियो आ रही है। लाइटिंग से रिलेटेड जो भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मस्ट वीडियो वॉचिंग वीडियो है। आप लोगों के लिए मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ के लाइटिंग के क्या क्या नई नई यूनिट्स आई हैं और नई नई जो भी वैरायटीज है सारी आपको देखने को मिलेगी वीडियो में। बिजनेस लोगों के लिए ज़्यादा मस्ट ट्रैकिंग वीडियो है, तो शुरुआत कर लेते हैं और हमें आपको लेके पहुँचो ऐसी कंपनी के पास जो कि NCR बेस्ड है और LED लाइट्स में काम करती है। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से सर काम करते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर प्लीज नाम बताएंगे हमारी ऑडियंस को अपना। विकास गोयल फ्रॉम सेल लैब टेक्नोलॉजी। और हम लोग जो है 2006 से इस फील्ड में हैं। बिल्कुल। उससे पहले स्टार्ट हमने जो किया था वो मोबाइल चार्जर से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद अडाप्टर्स वगैरह, फिर उसके बाद लाइटिंग के अंदर आए हम 2012 में। ड्राइवर वगैरह सब स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हमने लाइटिंग स्टार्ट की। अभी हमारे पास बहुत सारी रेंज है अभी लाइटिंग्स के अंदर में। तो शुरुआत कर लेते हैं सर इसके साथ की लाइटिंग रेंज कहाँ से शुरुआत हो रही है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, सारी डिटेल आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको, जैसे हम क्या क्या बनाते हैं। ये हमारा रूम हीटर है, इसमें हमारे पास में कई वेराइटी हैं अलग अलग। ये हमारे पास में हेलोजन लाइट्स हैं जो कि कैमरे वगैरह में लगती है, काफ़ी चीज़ों में लगती है। ये MCB बॉक्स हैं, पास हमारे पास डीप की रेंज है, ये डीप लाइट है, डीप जंक्शन बॉक्स में लगती है। इसमें देखेंगे आप हमारे पास बहुत वैरायटी है और 7 कलर हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद 3-in-1 भी है, अलग अलग स्टेप हैं उसमें, रेड ब्लू के साथ में पिंक बनता है, ग्रीन ब्लू के साथ में शान कलर है, वाइट बॉम वाइट, नेचुरल वाइट। तो ये बेसिकली किस जगह यूज़ होती है अगर थोड़ा बताएं? ये छोटी सी एक जंक्शन बॉक्स लगी होती है घरों के अंदर में। बिल्कुल। तो उसके अंदर में लगता है, ये लोहे के भी होती हैं, प्लास्टिक के भी होती हैं, जो सिलेंडर के अंदर डलता है तो उसमें लगाया जाता है ये। तो इनकी क्या क्या रेंज से स्टार्ट हो जाती है? नीचे रखे भी हैं, इसके साथ में हमने बड़ा भी कर रखा है, उसको एडजस्टर पेस से बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से बनाया है उसे। ये इसकी एडजस्टमेंट है, जैसे ये ऊपर कस जाएगा उसके अंदर में। तो हाँ, तो ये पहला, जाएगा। पहला प्रोसेस क्या है, मतलब पहले ये क्या लगाना पड़ता है? इसको क्या करना होता है कि हमें जो है ये पहले ये स्क्रू कसने का, हमने ऊपर स्क्रू कस दिया। स्क्रू कसने के बाद में इसको हमने जैसे ये फंसाया है इस तरीके से फंस जाएगा इसके अंदर जाके इजीली। ओके। तो ये छोटी ऑप्शन के लिए, मतलब जो छोटी जगह होती है वहाँ पे लगाने के लिए है, बड़ा करने के लिए। ज्यादा रोशनी चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। और इसमें रंग बिरंगा है, देखेंगे जैसे इसमें अलग अलग कलर आएंगे। फर्स्ट व्हाइट आएगा, फिर सेकंड में पिंक आ गया, थर्ड के अंदर में दोनों इकट्ठे जल जाएंगे, इस तरीके से जलेंगे ये। अच्छा, तो मतलब इसमें कलर अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है। तो लोग कोई अगर जो वैरायटी डिस्प्ले में वही मिलेंगे अवेलेबल है और कोई भी कस्टमाइज कोई करवाना चाहे? नहीं, ज्यादातर है हमारे पास में और इससे ज्यादा तो कुछ मिल भी नहीं पाएगा, पूरी रेंज है हमारे पास में। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है कंसील लाइट्स, इसके अंदर सारा एल्युमिनियम के अंदर है। जैसे इसके अंदर डीप के अंदर हमारे पास ज्यादातर वैरायटी एल्युमिनियम के अंदर है, ऐसे ही कंसील के अंदर सारी वैरायटी हमारी एल्युमिनियम के अंदर है। ठीक है, हम प्लास्टिक में नहीं बनाते हैं, सारा सारा एल्युमिनियम के अंदर करते हैं काम कंसील के अंदर। तो कंसील में भी सेम लाइट वैरायटी सेम सारी चीजें मिलेंगी? ज्यादातर मार्केट में आप देखेंगे प्लास्टिक में मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि एल्युमिनियम होने से इसकी हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है एलईडी की, एल्युमिनियम, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है काफी। Okay. प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो उसकी लाइफ कम रहती है। तो बात करें हम एल्युमिनियम में बनाते हैं, तो गारंटी वारंटी क्या रहती है इनकी? 2 साल की गारंटी देते हैं हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे, 95% प्रोडक्ट हमारे 2 साल की गारंटी में है। 2 साल की गारंटी है। कुछ आइटम्स हैं जैसे ट्यूबलाइट है वो 1 ईयर में है, कुछ ड्राइवर्स हैं जो 1 ईयर में है, बाकी ज्यादातर जो हमारे 2 साल की गारंटी के अंदर है। तो इसमें कोई अगर क्या मतलब कितनी क्वांटिटी वाइज क्या देखा जाता है? क्वांटिटी जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं शहर में, एक ही जने को देते हैं हम अलग अलग एरिया वाइज, तो छोटी क्वांटिटी में नहीं करते हम, क्वांटिटी में काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बेस, क्योंकि एक एरिया में एक जने को देना हो। ये COB लाइट है, इसमें हमारा जैसे डीप COB के अंदर में 3 कलर हैं, वाइट वॉम वाइट नेचुरल वाइट। उसके बाद में हमारा आता है रोज COB, इसमें भी वाइट वॉम वाइट नेचुरल 3 कलर हैं, अलग अलग वाटेज हैं जैसे 8 वाट, 12 वाट, 20 वाट। फिर उसके बाद में हमारा ये सिलेंडर लाइट आ गई, इसके अंदर भी 3 कलर हैं, वाइट वॉम वाइट नेचुरल वाइट, और इसके जो वाटेज हैं ऐसे ही 12 वाट और 20 वाट हैं। ये ट्रैक लाइट्स हैं, ट्रैक लाइट के अंदर भी हमारे पास में वाइट वॉम वाइट नेचुरल वाइट 3 कलर हैं। उसके बाद में इनके वाटेज जो हैं 12 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 3 वाटेज में हैं। ये ट्रैक पट्टी है जो कि इसके ऊपर लगती है,
तो इसका क्या यूज होता है? ये ट्रैक के ऊपर ये लटकाने के लिए यूज किया जाता है, हैंगिंग के लिए। जैसे हमने यहाँ पे हैंग की हुई है, आप देखेंगे तो इधर हमने लगाई हुई है, ओके, इधर भी लगाई हुई है, ओके, और वो साइड भी लगा रखी है, आप देखेंगे तो ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये उसके बाद में ये आ जाती है फटी। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि इतनी बड़ी फटी ना लगाएं, सिंगल पीस लगाना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट ये है, सिंगल एक एक पीस लगेगा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये ड्राइवर है हमारे, स्ट्रिप ड्राइवर जो LED स्ट्रिप में लगता है। उसके बाद में ये हमारे जो है फैन शीट और राउंड शीट जो डीप के अंदर लगती है, फैन के अंदर लगती है शीटें हैं। और ये क्या, ये वही चीजें लाइट है, सीबी है, सीओबी है जो ऊपर लगी हुई है, आपको दिखाया मैंने जल्दी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुछ लोग जैसे देखना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट को आगे पीछे से, तो हमने यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से डिस्प्ले कर रखा है, देख सकते हैं गाइस आप लोग भी यहाँ पे। ये रोज में है, ये सारा आपका सेम ब्रांड वही है जी, सेलेक्ट के नाम से ही सारा सेलेक्ट। फिर ये हमारे रेगुलेटर्स आ जाते हैं, रेगुलेटर अलग अलग वैरायटी है बहुत सारी, आप देखेंगे तो। अच्छा अच्छा, तो ये इनकी क्या गारंटी वगैरह रहती है रेगुलेटर? रेगुलेटर एक ईयर, वन ईयर में रहता है ये। सीओबी वगैरह ये सारा 2 साल का है। ये पैनल्स वगैरह आ गए हमारे, ठीक है। ये पैनल की पूरी रेंज है हमारे पास में, 3 स्टेप भी है इसके अंदर में, आप देखेंगे कि कलर चेंज हो रहे हैं, बीच में हमने लगाया हुआ है, थर्ड रो में जैसे हमने लगाया हुआ है। ये एल्युमिनियम पैनल है ऊपर, फिर ये उसके बाद में प्लास्टिक पैनल है, पीसी पैनल, टिमलेस पैनल बोलते हैं जिसे, ठीक है। फिर ये 3 स्टेप के अंदर है, ये आप देखेंगे कलर चेंज हो रहे हैं इसके, 3 बार अलग अलग ऑन ऑफ करेंगे तो अलग अलग कलर आएगा 3 बार, एक बार व्हाइट, एक बार बॉम व्हाइट, एक बार नेचुरल व्हाइट आएगा, तीनों अकॉर्डिंगली जो हमारे को चाहिए वो लगा सकते हैं वहाँ पे, वो छोड़ देंगे। उसके बाद सरफेस पैनल है ये, तो प्राइसिंग अलग अलग डिफरेंट हो जाती होगी दोनों की, है ना? थोड़ा कॉस्टली लगता है अगर हम 3 स्टेप लेते हैं तो, क्योंकि उसमें LED काफी लगेगी, ड्राइवर भी महंगा हो जाता है। ये सरफेस पैनल है जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, छत पे लगाना है तो ड्रिल करके उसमें लग जाएगा। बिल्कुल, तो उसको मतलब ड्रिल करके लग सकता है बल्ब की तरह। जी जी, ऐसे ही ये भी है, आपका डीप लाइट के अंदर भी लग जाएंगे, कंसील में भी लग जाएगा, सरफेस भी माउंट हो जाएगा, जैसे कि कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है तो ये लग जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें आपके पास जो है डिस्प्ले में लगा रखी है आपने। उसके बाद हम आते हैं अप डाउन के अंदर में, ये हमारे पास अप डाउन की वैरायटी है जो कि दीवारों पे, वॉल पे, वॉल पे लगती है, वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट करने, हाईलाइट करने के लिए। जी ठीक, तो अभी तक जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं मुझे, जी जी, कि जितनी भी चीजें आप मुझे बता रहे हैं सारी मतलब की होलसेल के रिगार्डिंग ही है, मतलब बल्क में जाएगा, ओनली होलसेल जाएगा। उसके अलावा कुछ आइटम हम करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है हमारे पास, कंसील लाइट्स हैं, उसके लिए ड्राइवर बॉडी हाउसिंग है ये जो है। अच्छा, तो ये भी हम करते हैं, डीप लाइट की भी कुछ हाउसिंग है हमारे पास में, एल्युमिनियम की। ये सारी जो शीट्स वगैरह हैं ये पूरी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सारी? नहीं, ये हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके की लाइट्स होंगी? उसके बाद में स्ट्रीट लाइट आ गया, जैसे ऊपर लगा हुआ है आप देखेंगे, ये हाईवे लाइट है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट ये ऊपर जल रही है, आप ये ऊपर आप दिखाएंगे तो। ये ट्यूब लाइट्स है, ये भी सारा LED में, LED के अंदर है, इसके अंदर में अलग अलग कलर भी है हमारे पास में, और दो इसके अंदर 2 फुट के अंदर और 4 फुट के अंदर दोनों मिल जाएंगे। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स आपने दिखाई हैं, ये भी मतलब ये स्ट्रीट लाइट है, ये हाईवे लाइट है जो कि खुले के अंदर में बहुत ऊंचाई पे लगाना है, मान लीजिए या शेड के अंदर लगाना है, हाइट बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हाईवे यूज की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, या छत पे देखेंगे आप ऊपर। अच्छा, तो आपके खुद की लाइट्स हैं ये वाली हाईवे लाइट है जैसे यहाँ पे लगाएंगे, या इन्होंने लगाया हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर देखेंगे आप उस साइड में, ओके, वो हाईवे लाइट है ताकि बहुत ऊंचाई तक से नीचे रोशनी लेनी तो हाईवे का यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्लड लाइट है जो कि ओपन के लिए चाहिए होती है, जैसे तो उसमें पानी वगैरह जाने का कुछ नहीं, पानी के अंदर भी डाल देंगे तो इसके अंदर कोई खराब नहीं होगा। अच्छा, वाटर प्रूफ है जी, ठीक है। तो इनकी रेंजेस वगैरह क्या, मतलब अप डाउन इसके अंदर में, जैसे 30 वाट से लेके 30, 50, 100, 200, 400 वाट तक हम बनाते हैं इसके अंदर में। ये जैसे हमारे पास में आप देखेंगे तो ये सेलेफ के नाम से है, ये हमने बंडर के नाम से भी बनाया हुआ है अपना ब्रांड। फिर हेलोजन ट्यूब आ गई, उसके बाद में एक्सटेंशन कॉर्ड है हमारे पास में, स्ट्रिप ड्राइवर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेंडर, ये सब चीज़ें हैं, राउंड शीट है, ये रूम मीटर की वैरायटी है जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में काफ़ी तरह का रूम मीटर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट आ रहे हैं तो लोगों के लिए मतलब काफ़ी प्रेफर होने वाला है। जी, मैं चाहता हूँ एक प्रोडक्ट हमारा जैसे रह गया, एडजस्टेबल पैनल, ये बहुत बढ़िया आइटम है। इसमें क्या है कि हमें एडजस्ट करने के लिए बहुत सुंदर तरीका है, इसको हम आगे कर लेते हैं तो ये डीप जो होता है छोटा सा उसके अंदर आ जाता है, फिर से बड़ा कर लेते हैं
तो पेंसिल लाइट में भी आ जाता है, मतलब एडजस्टेबल है, डीप पेंसिल दोनों में लग जाता है। और 15 वाट का है, मतलब छोटी सी जगह में 15 वाट मिल जाता है। 15 वाट मिल जाता है लाइट कंजप्शन के लिए, बहुत ज्यादा है पावर सेविंग के लिए। जी जी ठीक है। तो बात कर रहे थे सर से कि आप लोग किस तरह से कनेक्ट होंगे, तो आप अपना मतलब कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे B2B में या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहे, अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे सेल लाइफ लिखेंगे तो सेल लाइफ लिखते के साथ में हमारा सारा का सारा वेबसाइट वगैरह सब आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। CELLIFE सेल लाइफ डालेंगे आप तो आप हमें गूगल पे मिल जाएंगे, ढूंढ सकते हैं। और हमारा जो है मोहन नगर गाजियाबाद में हमारी जो है फैक्ट्री है। ठीक है, और मोबाइल नंबर क्या रहेगा सर? मोबाइल नंबर हमारा 9899200401 और दूसरा नंबर है 9069200400 सॉरी। कोई भी आके विजिट कर सकता है आपके यहाँ पे, देख सकता है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।